सामने आपको जो पैकिंग दिखाई दे रहा है ये प्लस प्रमेस की वेबसाइट की ओर से किया गया है। जब आप फॉल चार्ट मंगाते हैं तो इस तरीके से पैकिंग करके वो भेजते हैं। इस फॉल चार्ट को मंगाने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं दे दूंगी। इसके साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये सभी चार्ट जो मैं आपको शो करने वाली हूं, ये 2022 के हिसाब से सारी चीजें अपडेटेड हैं। सबसे पहला चार्ट है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट क्या है, फिर इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और फिर उसके बाद रूल्स रेगुलेशन है वो भी ऐड किया गया है, इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद जैव विविधता वाले क्षेत्र, अलग अलग सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। कितने टाइप के डिज़ास्टर्स होते हैं और उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं ये भी ऐड किया गया है ताकि शॉर्ट में आप याद कर सकें। गवर्नमेंट की ओर से एंड इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से क्या प्लान किए गए हैं, क्या प्लान बनाए गए हैं वो भी इसमें ऐड किया गया है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इन एरियाज के बारे में भी इस चार्ट में ऐड किया गया है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड वॉल चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें नॉलेज ऐड किया गया है। अमेंडमेंट आपको कोई रट्टा मार बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नॉलेज के साथ नहीं याद करना होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस अमेंडमेंट में क्या किया गया है और वही नॉलेज इस वॉल चार्ट में ऐड किया गया है। उसके बाद देखते हैं वॉल चार्ट है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड किया गया है, जैसे कि सबसे पहले कि इंडियन इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमी में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो भी ऐड किया गया है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, इसके बाद GDP, GNP इसके बारे में भी इसमें जोड़ा गया है, GST कब से लागू हुआ, इसके साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके के कमीशंस वर्क करती हैं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, शेयर मार्केट, सेंसेक्स, BSE, NSE इन सारी चीज़ों के बारे में भी इसमें ऐड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न ये तीनों ही चीज़ें ऐड की गई हैं। इस चार्ट में सबसे पहले एंशियंट इंडिया, फिर मिडाइवल, फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया, जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ना होता है उसी हिसाब से सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। फिर इसमें हड़प्पा काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, मौर्य काल, मॉडर्न इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन सी घटना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो डेट वाइज आप क्रम से कोई घटना किस प्रकार से हुई थी ये बहुत डिटेल में ना जान करके आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें आप जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसी के हिसाब से इसमें टॉपिक ऐड किए गए हैं। इसमें जो टॉपिक्स बताए गए हैं वो क्रम से बताए गए हैं और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में क्या चीज़ें बताई गई हैं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, जैसे कि मूल अधिकार किस आर्टिकल में है और कहाँ तक है ये बताया गया है, संविधान सभा जब गठित की गई थी तो उसमें कौन कौन सदस्य थे और वो सदस्य किस पद पर थे, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट चार्ट है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी का। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले जानने को मिलेगा कि जियोग्राफी में क्या चीज़ें हैं जो आपको जनरली पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया बाउंड्रीज, इंडिया के इम्पोर्टेंट लेक्स, इंडिया के इम्पोर्टेंट रिवर्स, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इंडिया में कौन कौन से उद्योग हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं एंड जियोग्राफिकली उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें आपको सभी चीज़ें इंडिया और वर्ल्ड दोनों के स्तर पर बताया गया है। आप इस वॉल चार्ट को डायरेक्ट ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आपको गूगल पर प्लस प्रमेस ELIB लिखना है और इस तरीके से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सर्च टर्म है, वहाँ पर आपको UPSC वॉल चार्ट लिखना है। इस तरीके से आपको पेज शो होने लग जाएगा। इसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो फिर बाय नाउ पर क्लिक करें।
इसके बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है जहाँ पर बिलिंग एंड शिपिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो इन्फॉर्मेशन आप देंगे। इसके बाद आप पेमेंट किस बेस पर करना चाहते हैं, ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी, इस पर टिक करें। इस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं।